जौनपुर में गोरखपुर के सांसद रवि किशन के पैतृक आवास बिस्कुई बराई गांव में पिता सुर्खी पंडित श्याम नारायण शुक्ल की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रवि किशन ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए गांव के बाहर स्मृति द्वार अपने पिता की मूर्ति का अनावरण और 3 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता राजन मिश्रा से खास बातचीत करते हुए उन्होंने सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पिता के आशीर्वाद की वजह से हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं आपको। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के किराकत विधानसभा के बिसुई बराई गांव में, जहां पे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी का पैतृक आवास है। आज उनके बाबूजी की दूसरी पुण्यतिथि है। हमारे साथ बात करने के लिए रवि किशन जी मौजूद हैं। रवि, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको नौ वर्ष की ढेरों बधाई। मैं समस्त इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि कोरोना चल रहा है, ये चूंकि इंटरव्यू देने के लिए थोड़ा सा ये हमने लगाया है, निकाला हुआ है, लेकिन आप लोग कोरोना से भी बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, रात को राज्य सरकार ने कर्फ्यू रखा है उसका भी पालन करें, और महादेव से यही विनती है कि आप लोगों के जीवन में बहुत सुखद नया साल आए, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी रोग से ग्रसित ना हो, यही प्रार्थना करता हूं मैं। और साथ ही साथ ये कहता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर जो कहा जाता है। अब मेरे पिताजी की ये दूसरी पुण्यतिथि है, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर सड़क जो बनवाए थे और एक मुख्य द्वार है, वो आप लोगों ने देखा होगा और आप दिखाइएगा ज़रूर, ताकि ये ऐसे पिताजी थे जो मेरे गुरु भी थे, मेरे सब कुछ थे, मेरे सर्वे सर्वा वही थे। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, तो एक छोटी सी भेंट उनके नाम पर, और मैं अभी भी यही आज भी प्रार्थना किया हूँ कि अगले साल भी कुछ और बनवा दीजिए। मैं चाहूँगा कि मेरा ये गांव जो उनका पैतृक निवास जो हम लोगों का है, जो इसको हम बहुत सारी सुविधाओं से इसको स्वर्ग बना दें। तो मैं आज पूजा कर रहा था सुबह, तो ये निर्णय भी लिया कि मेरे से हो सकेगा तो मैं इस पूरे क्षेत्र को एक नई रूपरेखा करवा दूँ, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, जैसे पूज्य महाराज योगी जी चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा भी है, सोच भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण स्कूल को, कस्बों को, जहां मेडिकल कॉलेजेस व्यवस्थाएं नहीं है, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे आगे लेके जाएं। तो यही सारी सोच के साथ हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें गाँव का भला हो, गाँव के बच्चों का भला हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा रहे, मेडिकल सुविधाएँ अच्छी रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसको 1 घंटा दूर बनारस जाना पड़ता है या तो जौनपुर जाना पड़ता है, उसमें बहुत बार मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ बीच में जौनपुर और बनारस के बीच में कोई भी मेडिकल अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूँगा, ये हमारे गांव समाज की ज़मीन है, यहाँ पे 3 एकड़ है, अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि आज मन यहाँ बन गया कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल सुविधा बना दें, एक मेडिकल एक अच्छा अस्पताल बना दें, तो बच्चे यहाँ पढ़ें भी, क्योंकि यहाँ के लोग बच्चे बड़े होनहार भी हैं और ये लोग आगे बढ़ें।